प्रेवलेंस में हम लेते हैं ओल्ड और न्यू केस, लेकिन एक्टिव केस याद रखें, यहीं से यूएचएस कंफ्यूज करेगी आपको। और आपने एक्टिव केस नहीं लिए, ओल्ड और न्यू दोनों ले लिए और आपने रिजल्ट निकाल दिया। अब आपने प्रेवलेंस की याद रखना है कि प्रेवलेंस 1% है, प्रेवलेंस को हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना है, प्रेवलेंस हमेशा 100 से मल्टीप्लाई होगा। अब सवाल किस तरह का आता है, 200 आपके पास, 250 के पुराने केस डीपी है, 250 आपके पास ओल्ड केस है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर 50 न्यू केस आ गए। अब वो कहते हैं कि जो केस थे उनमें से 20 जो है ठीक हो गए या मर गए और 40 रिकवर हो गए। लेकिन जो भी केस है रिकवर भी होते हैं, डेथ भी होती है। याद रखें, डेथ को आप माइनस नहीं कर सकते, ना रिकवरी को आप माइनस कर सकते हैं। तो आपने देखा 250 ओल्ड है, 50 न्यू है, 20 मर गए, 40 रिकवर हो गए, नहीं है। आपने क्या करना है, पॉपुलेशन को एक्सपोज है,
साल ले लें, कहते हैं एक जाने आठ बंदा मदर फादर इम्यून, इम्यून का मतलब अगर वैक्सीनेशन हो गई है नहीं, वो कहता है एक बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ, उन मोहतरम ने जिनको चिकन पॉक्स हुआ तीन और को लगा था, तीन न्यू केस है। लेकिन ये जिसको चिकन पॉक्स हुआ पुराना केस हुआ था, जितने उसने लगाया है न्यू केस, अब वो कहता है सेंट्री टैग रेट। तो आप देखेंगे कैसे करें, देखें सेंट्री टैग रेट में सिंपल सी बात, ऊपर आपने रखने न्यू केस वो कितने की तीन जिनको प्राइमरी ने लगाया, प्राइमरी जितने को लगाएगा उनको ऊपर रखना है। अब सवाल ये टोटल पॉपुलेशन आठ है, मदर फादर इम्यून है, एक डिजीज है, डिनोमिनेटर क्या होगा? याद रखिए सी एन डी टैग रेट में इम्यून मतलब आपने माइनस करा टोटल पॉपुलेशन से, और जिसको डिजीज दिया वो भी माइनस कर देंगे। अब एक बंदा बेचारा ऑलरेडी बीमार हो गया है उसे दोबारा बीमारी नहीं हो सकती और इम्यून को भी नहीं हो सकती है, टोटल पॉपुलेशन क्या थी आठ, अम्मा अब इम्यून को माइनस करके छः आ गए, प्राइमरी केस भी माइनस करना है पाँच आ गई आपके टोटल पॉपुलेशन, एक्सपोर्ट पॉपुलेशन, इन पाँच में से तीन बीमार हुए ये तो ऑलरेडी ठीक है, ये ऑलरेडी बीमार है, रिस्क पे कौन थे, एक्सपोज कौन थे, पाँच बच्चे क्या गलती करते हैं कि प्राइमरी केस माइनस नहीं किया, तो यूएच क्या करती है नंबर जीरो दे देती है। तो आपने याद रखना है कि आपने प्राइमरी केस माइनस करना है, इम्यून भी माइनस करना है, मल्टीप्लाई 100 तो ये आएगा 60%, ये भी परसेंटेज में आएगा। आप सेकेंडरी टैग रेट को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं